Praise the name of the Lord, hallelujah. Hallelujah. Greetings to all of you in Jesus' wonderful name. Lord Jesus, we bless your name. We glorify you. We magnify you, Lord Jesus. Hallelujah. We lift up your name. We exalt you, Lord. We come into your presence. Lord, this afternoon to glorify you, to worship you, adore you, magnify you, hallelujah. Thank you, Jesus. The ho. hallelujah. प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु आपके नाम की आराधना करते हैं हालेलुया आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु हालेलुया 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 लुइया आपके नाम को धन्य धन्य कहते हैं प्रभु आपके नाम की हम स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र 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 नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र 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 नाम की स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं हाँ लुइया प्रभु आपका धन्यवाद हो धन्यवाद धन्यवाद सॉरी एम सॉरी हाले लुइया लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड वी ब्लेस यू प्रेज यू प्रेज योर नेम लॉर्ड प्रेज योर नेम जीजस ऑफ नैजो जीजस ऑफ नैज ब्लेस यू लॉर्ड ब्लेस यू ब्लेस यू लॉर्ड विद ग्रैरिट्यूड एंड अप्रिसिएशन We come into your presence, Lord. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Lord Jesus, tera लॉर्ड karte तेरा धन्यवाद करते हैं हाले लोइया को बार बार तोड़ कर उसने चाह के सीखें हम उड़ना उसे घूस को बार बार तोड़ कर उसने चाह के सीखें हम उड़ना उससे परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे परम पिता की हम स्तुति गाए वो ही है जो बचाता हमें सारे पापों को करता क्षमा सारे रोगों को करता चंगा परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें वो ही हमारा है परम पिता तरस खाता है सर्व सदा पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतनी दूर हमारे गुना परम पिता की हम स्तुति गाएं वो ही है जो बचाता मैं प्यारे स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड वी कम बिफोर यू दिस आफ्टरनून लॉर्ड एज वी कंटिन्यू टू डिग डीपर योर वर्ल्ड लॉर्ड दैट यू विल मेक द लाइट शाइन इन अ हार्ट यू विल मेक द लाइट ऑफ योर कॉन्टेन्स फॉल अपॉन अ फेस लॉर्ड योर वर्ड इज लाइट योर वर्ड इज इनवर्ड लाइट लॉर्ड हाले लॉर्ड दैट योर वर्ड शैल शाइन And Lord, Your Word will become the living fount of life, flowing deeper inside, Lord. लॉड हाल प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे वचन को प्रभु जी समझने के लिए हमें स्वर्गीय बुद्धि दीजिए प्रभु जी हमारे कानों को खो लिए प्रभु जी हमारे हृदयों को कॉन्सिक्रेट कीजिए अपने लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं हाल यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं आमिर Hallelujah. Subkoja ki. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Hmm. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We have been studying on the power of the blood of the Lamb. How the blood of the Lamb creates an impregnable, invincible, unpenetrable hedge around us. Yeshua कैसे एक हैज बनता है हमारे इर्द गिर्द और आज हम सुबह देख रहे थे अयूब के जीवन में शैतान तब दाखिल हुआ जब हैज टूटा लहू का हेज़ टूटा जब लहू का हेज़ टूटा वचन में लिखा है सबसे पहला अटैक शैतान ने क्या किया सारे जानवरों को मारा जिन जानवरों के लहू की कुर्बानियां दी जाती थी द वेरी फर्स्ट अटैक ऐब के जीवन पे शैतान ने कौन सा किया ही टुक अवे द ब्लड सेक्रीफाइस उसने लहू की दीवार को तोड़ा सारे मैंने आपको बताया ऑल द एनिमल्स डाइड इन अ सिंगल डे इन एन इंस्टेंट भेड़ बकरियाँ बैल और हीफर सब मर गए एक दिन में सबसे पहला अटैक शैतान ने किया कि अयूब यहोवा को कुर्बानियाँ ना चढ़ा सके ब्लड ना चढ़ा सके हाल तो भाई और बहनों ब्लड के नीचे बने रहना आपने यीशु मसीह के शैतान की यही चाल होगी आपके जीवन में कि आपको अजमा के पाप में गिराए ताकि लहू का कवच टूट जाए और वो आपके जीवन में दाखिल हो सके आपको मालूम इब्रानियों की पत्री दस अध्याय के 28 से 31 वचन में क्या लिखा है वहाँ पे लिखा है वो लोग जिन्होंने नया जन्म पाया वो लोग जिनकी चेतना में परमेश्वर का प्रकाश आया जिन्होंने प्रभु को जाना जिन्होंने मुक्ति का स्वाद चख लिया जिन्होंने परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य की अनुभूति पाई अगर वो लोग यीशु मसीह के लहू को पैरों के नीचे रौंद के लौट जाएंगे तो वो बचाए नहीं जा सकते आपको मालूम एक ऐसा पाप जिसकी माफ़ी नहीं है वो है यीशु मसीह के पवित्र लहू को पाओं के नीचे रौंद देना यदि आप वाचा के उस लहू को जिसके द्वारा आपको और मुझे नजात मिली है छुटकारा मिला है मुक्ति मिली है पाँव के नीचे रोन देंगे फिर उस मनुष्य के लिए मोक्ष नहीं छुटकारा नहीं माफ़ी की उम्मीद नहीं बल्कि भयानक जजमेंट के डे की एंटिसिपेशन है उसके लिए भयानक दिन है जब यहोवा परमेश्वर उसका न्याय करेगा और यीशु मसीह का खून उसके विरोध में गवाही देगा हालेलुया यीशु मसीह का लहू क्या करेगा उसके विरोध में साक्षी देगा हालेलुया हालेलुया तो भाई और बहनों हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है यीशु मसीह के लहू के नीचे बने रहना है हालेलुया मैं एक बड़ी अद्भुत बात आपको बताने जा रहा हूं आपको लोगों को क्षमा करना है मुझे बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया सेवकाई में मैंने लोगों को खड़ा किया उनके जीवन में समय बोया पैसा बोया अपने घर में रखा उन्होंने मेरी पीठ में कंजर घोपा बहुत सारे लोगों ने मुझसे पैसा लिया लौटाया नहीं मैं प्रचारकों की बात कर रहा हूँ सेवकों की बात कर रहा हूँ तो प्रभु ने मुझे क्या सिखाया क्षमा करना आपको मालूम याजक लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले अपने आप को धोते थे टेम्पल के बाहर एक लेवर था जिसे राजा दाऊद ने सी का नाम दिया सेवरल फोर्टी थाउजेंड गैलन के करीब पानी सुलेमान उसमें रखता था जिसमें वेद करते थे याजक सुबह जाएंगे परमेश्वर की हजूरी में तो भी अपने आप को धोएंगे शाम को जाएंगे तो भी धोएंगे भाई और बहनों आपको सुबह शाम प्रार्थना में क्या करना है लोगों को क्षमा करना है ताकि आपके अंदर बिटर रूट्स ना हों आपके अंदर ग्रज ना रहे ना माफी का आत्मा आपके अंदर जड़ ना पकड़े उन लोगों को जिन्होंने आपको इस्तेमाल किया इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रो कर दिया उनको क्षमा करना है पढ़िएगा आप निर्गमन की पुस्तक तीस अध्याय का अठारह से इक्कीस वचन यह बताता है कैसे याजक अपने आप को शुद्ध करता है सुबह भी शुद्ध करता है शाम को भी फिर आप पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक 29 चैप्टर उसकी 38, 38, 38 और 39 नाइन वर्ड्स एक्सडस ट्वेंटी नाइन थर्टी एट एंड थर्टी आती है कि इसराइली लोग सुबह भी योवा को मेमना अर्पण करते थे मेमने की कुर्बानी और शाम को भी मेमने की कुर्बानी अर्पण करते थे सुबह को भी लहू की कुर्बानी शाम को भी लहू की कुर्बानी। हमें क्षमा के आत्मा में चलना पड़ेगा जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं हमने भलाई की वो बुराई के बीच बोते हैं उनको भी क्षमा करना है और हमने रिपेंटेंट हार्ट में चलना है सुबह भी मेमना चढ़ाना है प्रभु को 29:38-39 बताती है मॉर्निंग में एक मेमना चढ़ाना है इवनिंग में एक मेमना चढ़ाना है हाल और अपने आप को शुद्ध करना है सुबह भी और शाम भी ऑल्टर के ऊपर सुबह भी शाम भी आपको मालूम क्यों एक बड़ा अद्भुत वचन है युना ग्यारह का नौ योहन्ना ग्यारह के नौ में यीशु मसीह कहते हैं आर देर नॉट ट्वेल्व आवर्स इन अ डे क्या दिन में बारह घंटे नहीं होते हालांकि दिन में चौबीस घंटे होते हैं लेकिन यीशु मसीह ने दिन को दो डिवीजन में बांटा हाल यह इवनिंग टू मॉर्निंग डे एंड मॉर्निंग टू इवनिंग डे तो सुबह को परमेश्वर के सन्मुख मेमने के लहू के नीचे आए शाम को जब आप सोते हैं दिन की शुरुआत करें क्षमा के साथ माफ़ी के साथ लहू के साय के नीचे शाम को जब आप सोते हैं तब आप आपका घराना लहू के नीचे रहे यीशु मसीह के लहू को अंगीकार करें कन्फेस करें बारह घंटे में यीशु मसीह ने बांटा दिन आर दे नॉट ट्वेल्व आवर्स इन अ डे योना ग्यारह की नौ में सुबह भी लहू के साय के नीचे आए शाम को भी लहू के साय के नीचे आए शैतान तब ही हमला करेगा जब लहू की बाढ़ हट गई है तब आएगा शैतान आया अयूब के जीवन में पहले उसने ब्लड का सोर्स खत्म किया जानवरों को मारा कि अयूब कुर्बानियां ना देने पाए अयूब के बेटे बेटियां पार्टी कर रहे थे और अयूब ने कुर्बानी देनी थी उनके लिए कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने यह होवा कुछ राब दिया हो लेकिन शैतान ने जानवर मार दिए और जब जानवर मारे उसके बाद दूसरा अटैक शैतान ने क्या किया अयुब की पुस्तक एक अध्याय की अट्ठारह उन्नीस में सेटन किल्ड द चिल्ड्रन ऑफ जोब अयूब के सात बेटों और तीन बेटियों को मार दिया अयूब और अयूब की पत्नी रह गए। शैतान ने यहोवा से कहा था कि अयूब तो तुझे इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुने उसे प्रॉस्पेरिटी दी है मटीरियल ब्लैसिंग दी है वेल्थ दी है नाम दिया है रुतबा दिया है परिवार दिया है उससे ये सब छीन ले वो तुझे शराब देगा तो शैतान ऐब की बीवी में घुस गया और अयूब की बीवी अयूब के पास आई अयूब राख के ढेर में बैठा है और ठीकरे से मिट्टी के बर्तन के टुकड़े से अपने उसके बदन में फोड़े निकल आए खुरच रहा है अयूब की बीबी उसे आके कहती है आर यू स्टिल होल्डिंग टू योर राइचियसनेस कर्स गॉड एंड डाई शैतान उसकी बीबी में से बोलता है यहोवा को शराप दे आपको मालूम अगर हिब्रू टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इब्रानी टेक्स्ट बताता है कि अयूब के शरीर में जो फोड़े निकले उनमें कीड़े थे आपको मालूम ये तीसरा अटैक है शैता, शैतान का पहला लहू के ऊपर अटैक किया जानवर मार दिए ताकि कुर्बानी ना होने पाए दूसरा उसका परिवार सब कुछ लूट लिया तीसरा अटैक शैतान ने अयूब की सेहत पे किया आपको मालूम जब इंसान की सेहत पे हमला होता है अटैक होता है हेल्थ पे ऐब की पुस्तक दो का चार पाँच वचन पढ़ लीजिएगा जब इंसान की सेहत पे अटैक करता है शैतान तो कई बार इंसान बोलता प्रभु क्यों क्यों है मेरी आँख पे अटैक हुआ ये देखिए मेरी आँख जो थी ये ब्लड रेड होगी बिल्कुल सेटन अटैक्स लेकिन आपको प्रभु के संग चिपके रहना है मैं डॉक्टर्स के पास नहीं गया मुझे प्रभु यीशु मसीह नासरी ने जो गिला की मर्रम है द फिजिशन ऑफ गैलली है उसने चंगा किया है हाल लुईया उसके नाम की मैं महमा करता हूँ तो अयूब के फोड़े निकल आए अयूब की सेहत छीन ली तो अयूब क्या कहता है उन्नीस अध्याय अयुब की पुस्तक छब्बीस वचन में अयूब कहता है चाहे मेरा शरीर नाश हो जाए फिर भी मैं इसी देह में यह को देखूंगा हाल लुइया हाल लुया तो अब अयूब की पुस्तक दूसरे अध्याय में उसके 11 से 13 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो अयूब के जीवन में अयूब बहुत घनघोर दुख में है पीड़ा में है सब कुछ लुट गया है बेटे मर गए बेटियां मर गई सारा धन दौलत सब कुछ चला गया एक सिंगल डे में और सेहत चली गई अयूब के तीन दोस्त आते हैं और ये तीन दोस्त मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा तीन दोस्त अयूब को क्या कहते हैं बहुत फिलॉसफी की दार्शनिकता की गहरी गहरी बातें होती हैं फिलोसफिकल थियोलॉजिकल डिस्कोर्सेस होते हैं अयूब के दोस्त तीन बातें अयूब को कहते हैं पहला दोस्त कहता है तेरे जीवन में अवश्य घमंड होगा इसलिए तेरे ऊपर सजा आई है दूसरा कहता है तेरे पास जो दौलत है ना तूने अपनी दौलत गरीबों को नहीं दी अनाथों की सुधि नहीं ली तूने, तूने विधवाओं और कंगालों की सहायता नहीं की इसलिए तेरे ऊपर ये सजा आई है और तीसरा दोस्त अयुब को कहता है तेरे जीवन में गुप्त पाप होगा मैंने आपको बताया कि कैसे अयुब अपने आप को डिफेंड करता अगर आपको याद होगा मेरा वो संदेश मैंने आपको सारे रेफरेंस दिए कौन कौन सी बातें कहता है अयूब बताता है कि मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूँ तो बहुत सारी बातें ये लोग करते हैं हाल ही लेकिन आपको मालूम जब कोई पीड़ा में हो दुख में हो तो आपको उनके उनका साथ लेना चाहिए दुख और पीड़ा में उनको थियोलॉजी नहीं सिखानी चाहिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं किसी का छोटा बच्चा मर्ज हम नहीं सब कुछ जानते हम कभी ये दावा नहीं कर सकते कि हमें सब कुछ पता है हम इंसान के जीवन की हरेक मुश्किल का हरेक दुख का हरेक पीड़ा का उसे जवाब दे सकते हैं इतना ज्ञान हमें नहीं है हमें ये अंगीकार करना चाहिए यदि किसी का छोटा बच्चा प्रभु में सो जाए तो आप ये मत कहिए कि स्वर्ग में परमेश्वर को एक एंजल चाहिए था आप कहिए ये दुख है बहुत घनघोर मैं नहीं जानता ये क्यों आया है ये किसी का जवान टीन एक्सीडेंट में मर जाए वी डोंट नो हम उनको थियोलॉजिकली जाके ज्ञान ना दें बल्कि उनकी दुख की घड़ी में उनके संग खड़े हो जाएं, और उनसे कहे मैं नहीं जानता बट प्रभु सब कुछ जानता है प्रभु सामर्थ्य है वो आपके दुख को आनंद में बदलने की सामर्थ्य रखता है हाल वो आपकी पीड़ा को आपके दुख को हाले बदल सकता है और आपको चंगा कर सकता है हाल लुइया कुछ लोग कहते हैं अयूब को जज करते हैं अयूब तीन पच्चीस में लिखा है अयूब की पुस्तक तीन पच्चीस में जॉब चैप्टर थ्री वर्ड्स नंबर ट्वेंटी फाइव जॉब अयूब कहता है द थिंग दैट आई फील ग्रेटली इज फॉलन अपॉन मी जिस चीज़ से मैं डरा वो मेरे ऊपर आ गई कुछ कहते हैं कि वो डरता था इसलिए वो गिर मैं बताना चाहता हूँ अयूब डरा पता किस चीज़ से अयूब इस चीज़ से डरा कहीं मेरे बेटे यहोवा को कर्स ना करते और शतान ने सुन लिया और इसी चीज में स्वर्ग में उसने जमाया उससे कि वो तुझे कर्ज करेगा हालेलुया। और अयूब ने क्या कर दिया अयूब की पुस्तक पहली पुस्तक के चार पांच अध्याय पढ़ी अयूब ने कहा आई कर्स द डे आई वॉज बॉर्न हालेलुया मैं उस दिन को श्राप देता हूं जिस दिन मैं पैदा हुआ अयूब बहुत घनघोर पीड़ा में से गुजरा मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में एक वायदा है सुनिए निर्गमन की पुस्तक 22 अध्याय का चार वचन एक्सडस 22 वर्स नंबर फोर वहां पे प्रभु ने एक अद्भुत वादा किया प्रभु कहता है अगर चोर पकड़ लिया जाए इफ द थीफ इज गॉड अगर चोर पकड़ लिया जाए तो दो गुना वापस करेगा चोर चोर को दंड लगेगा ही हैज गिव यू डबल फॉर योर ट्रबल अगर चोर पकड़ा जाए चोर एक्सपोज हो जाए तो दो गुना देगा ये परमेश्वर का विधान है नियम है परमेश्वर के वचन में एक्सडस 22 वर्स नंबर फोर में ऐसा लिखा है हाल आपको मालूम फिर उसका चौथा मित्र प्रकट होता है चौथा दोस्त भी आ जाता है और थियोलॉजिकल थे बातें होती हैं फिलोसॉफिकल बातें होती हैं फिर हम पढ़ते हैं आपने पढ़ना है ये दो अध्याय यूब 41 एंड ऐूब 42, टू जोब फोर्टी वन फोर्टी टू अयूब इकतालीस और बयालीस अध्याय आपने पढ़ने हैं यहोवा परमेश्वर बड़ी गहरी बातें करता है ऐब से यहोवा परमेश्वर एक सांप की बात करता है समुद्री सांप की उसका नाम है लिवायाथन लिवायाथन उसके सात सिर हैं हमारे देश की संस्कृति में भी ये सांप है सात सिर वाला सेवन हेड वाला सांप है और कलाम बताता है ये ये अयूब चैप्टर नंबर फोर्टी वन फोर्टी टू में है बहुत भयंकर सांप है और यह सेटन है ये शैतान है हाल आपको मालूम यहोवा कैसे आया थर्टी एट चैप्टर पढ़िएगा अयोवा वर्ल्ड विंड में आया यहोवा याहुआ परमेश्वर वर्ल्ड विंड में यह जो वर्ल्ड विंड है ना वाम इसके अंदर एंजालिक बींग होते हैं इसके अंदर चरबीम हैं खरब्स हैं और इसके अंदर यहोवा के चैरियट हैं ये ऐसे आते हैं हाली ये पोर्टल क्रिएट करते हैं यहोवा उसके अंदर आया हाल और यहोवा परमेश्वर एयूब पे एक बड़ी तगड़ी बात प्रकट करता है जो ये वचन है ना मैंने पढ़ के बताया एक्सडस ट्वेंटी टू फोर निर्गमन बाईस का दो अगर चोर एक्सपोज हो जाए तो वो दो गुना वापस करे येशु मसीह ने कहा चोर चोरी करने घात करने नाश करने आता है परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले और बहुत आयत का जीवन मिले चोर को अगर पकड़ लिया गया नंगा कर दिया गया एक्सपोज कर दिया गया वो तो दो गुना वापिस लौटाएगा वो तो प्रभु बता रहे हैं चोर है कौन आयुब के जीवन में अयूब 41, 42 में वो सात सिर वाला सांप वो चोर है अयूब को ये मालूम नहीं है कि अयुब के जीवन में जो विपत्तियां आई हैं अयूब के बेटे मर गए और बेटियां मर गईं, ऐूब के जानवर मर गए ऐब का धन संपत्ति सब कुछ लुट गया एयूब का मान सम्मान चला गया एयूब की सेहत भी चली गई अयूब पता क्या कहता है अपनी पत्नी से अयूब कहता है यहोवा ने दिया यहोवा ने लिया उसका नाम मुबारक हो ऐब यह सोचता है ये सजा यहोवा ने भेजी है मेरी परीक्षा हो रही है मेरे बेटे भी यहोवा ने मारे हैं मेरे जानवर यहोवा ने मारे हैं मेरे नौकर चाकर यहोवा ने मारे हैं मेरी धन संपत्ति यहोवा ने छीनी है मेरा यश मान यहोवा ने छीना है और मेरी सेहत भी यहोवा ने ले ली है ये मानता है युग क्योंकि युग कहता है यहोवा ने दिया यहोवा ने लिया उसका नाम धन्य हो लेकिन परमेश्वर अयुग को बताता है कि ये लिवायथन है ये सात सिर वाला स्नेक है यहोवा परमेश्वर आके क्या करता है एक्सपोज कर देता है खुद एक्सपोज करता है ये होगा किसे दुश्मन को शत्रु को हाल है तो आपको मालूम क्या होता है पढ़िए एक वचन जब शत्रु एक्सपोज किया जाता है तो अयूब की किताब फोर्टी टू चैप्टर में चलिए बुक ऑफ जॉब चैप्टर नंबर फोर्टी टू की पुस्तक उसका फोर्टी टू चैप्टर 42 चैप्टर निकालिए और उसकी टेंथ वर्स जॉब 42 एंड वर्स नंबर 10 सुनिए क्या लिखा यहाँ पे यहां पे लिखा एंड द लॉर्ड टर्न द कैप्टिविटी ऑफ जॉब अयुब की कैप्टिविटी यहोवा ने वापस कर दी आपको याद है मैं आपको बार बार यह कलाम देता हूं यहोवा परमेश्वर कहता है व्यवस्था विवरण में पहली पांच पुस्तकों में कि अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे अगर तुम मेरी वाचा के अनुसार जीवन नहीं जियोगे अगर तुम तो मेरी विधियों हुक्मों की पालना नहीं करोगे और तुम बालिमों की पूजा करोगे ग्रोव की पूजा करोगे बालिम है सन गॉड और ग्रोव है मून गॉड गॉड एंड गॉडेस स्त्री के प्रजनन की पूजा और पुरुष के प्रजनन की पूजा अर्थात फर्टिलिटी के गॉड एंड गॉडस की पूजा करोगे और आकाश के तारों को पूजोगे ये तीन हैं शैतानी पूजा पद्धतियाँ ये बेबलॉन से शुरू हुई हैं और गुड फ्राइडे क्रिसमस ईस्टर भाई और बहनों इसी के अंदर आता है समझ रहे हैं आप मेरी बात ये कॉन्स्टेंटाइन ने दोबारा चर्च के अंदर डाला ये शैतानी काम है इसके ऊपर फिर कभी हम अध्ययन करेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है अयूब कैप्टिविटी में था कैप्टिविटी समझते हैं बंधुआई तो प्रभु क्या कहता है अगर तुम तो मेरी आगे नहीं मानोगे मेरी विधि हुक्मों पे नहीं चलोगे तो मैं सोड भेजूंगा तलवार फिर मैं अकाल भेजूंगा फिर मैं भेजूंगा पेस्टल बाबा और अगर तुम फिर भी बाज नहीं आए तो मैं बीस्ट भेजूंगा जो तुम्हें कैप्टिविटी में ले जाएगा यह लिवायथन जो है सात सिर वाला सांप शैतान ये यहोवा के लोगों को बदवाई में लेके जाता है यह बीस्ट है आपको मालूम प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में लिखा है मैंने बीस्ट को समुन्द्र में से निकलते देखा है यह होवा परमेश्वर बता रहा है कि समुन्द्रों के अंदर है ये बीस्ट लिवायथन यह तेरे खिलाफ आया था मैं तेरे खिलाफ नहीं आया अयु मैंने नहीं कुछ भी छीना इसने छीना है यहोवा परमेश्वर नंगा कर रहा है किसे चोरी करने वाले को अब चोरी करने वाले को दुगना वापस देना पड़ेगा यहोवा परमेश्वर अयूब को बुद्धि दे रहा है ज्ञान दे रहा है और यह जो अयूब की कैप्टिविटी का मतलब क्या है अयूब को बीस्ट ले गया है प्रभु कहता है मैं तलवार भेजूंगा अकाल भेजूंगा पेस्टिलेंस भेजूंगा पृथ्वी पेस्टिलेंस चल रही है बवा अगर तुम फिर भी ना लौटे तो बीस्ट भेजूंगा जंतु यह बीस्ट है इक्यालीस अध्याय अयूब की किताब में और फोर्टी सेकेंड चैप्टर में ये बीस्ट है जो अयूब को गुलामी में ले गया है अब यहोवा ने अयूब की गुलामी तोड़ दी कैप्टिविटी तोड़ दी वेन ही प्रेड फॉर इज फ्रेंड्स कब तोड़ी जब अयूब ने माफ किया माफ़ किया उन मूर्ख दोस्तों को माफ़ किया जिन्होंने अयूब पे दोष लगाए थे अयूब ने उनको क्षमा कर दिया भाई और बहनों मुझे प्रभु ने मेरे संग बहुत लोगों ने ऐसा किया मुझे यूज़ किया मैंने सहायता की चर्च बनाने में कईयों के घर बनाने में कईयों की बहुत मैं नाम नहीं लेना चाहता उन सेवकों ने अपना मतलब निकाला और पीछे मुझे लात लगाई प्रभु योवा ने मुझे कहा तेरे संग कोई नया काम नहीं हुआ मेरे यीशु मसीह के संग भी ऐसा हुआ अगर तेरे संग ऐसा हो रहा है इसका मतलब यीशु जीवित है। तूने कुछ नहीं खोया उन्होंने खोया है, जिन्होंने ऐसा काम तेरे साथ किया है। तूने कुछ नहीं खोया हालेलुया तो भाई और बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं अयूब अपने मित्रों को क्षमा करता है हमें क्षमा करना है रिपेंटेंट हार्ट में चलना है प्रभु के आगे घमंड में नहीं चलना एरेगेंस में नहीं चलना प्राइड में नहीं चलना सबको क्षमा करना है हाल यहां पर लिखा है उसने अपने मित्रों के लिए प्रेयर की ऑल्सो द लोड गेव जॉब ट्वाइस एज मच एज मच ही ने अयूब को कितना दे दिया अब कितना दे दिया दुगना क्योंकि चोर पकड़ा गया लिवायाथन था वो समुद्रों के अंदर रहने वाला सात सिरों वाला शैतान जो प्रकाशित वाक्य में लौट के आ रहा है अजगर हाल है उसने ही ये कहा अयूब तो कह रहा था यहोवा ने दिया यहोवा ने लिया आज भी कई लोग एक प्रार्थना करते हैं ना जब किसी की डेथ होती है योवा ने दिया योवा ने लिया वो पीछे कॉस्मिक वॉर को समझ नहीं पाते जो अनसीन वर्ल्ड में लड़ाई चलती है स्वर्ग में एक चैलेंज था चुनौती थी कि अयूब यहोवा को कर्ज करेगा ये सारी बात ही कर्ज की है पूरी बुक के अंदर यहोवा ने बीस्ट के हाथों से जंतु के हाथों से अयूब को छुड़ा लिया बहुत सारे लोग बीस्ट के बंधन में बंधे हैं बहुत सारे मसीह लोग कैप्टिविटी में हैं क्योंकि वो ना माफी की रूह का शिकार है क्षमा नहीं करते गांठे बांध के अंदर बैठे हुए हैं और ना माफी की वजह से ग्रज पनप रही है उनके अंदर और बिटरनेस की जड़ें हैं गहरी उनके अंदर और शैतान की जेल में है वो बीस्ट उनको पकड़ के कैप्टिविटी में ले गया है अब प्रभु क्या काम करता है पढ़िए आगे प्रभु ने लिखा है लिखा है प्रभु ने दुगना दिया मिला के देख लीजिएगा यहाँ पे आप पढ़िएगा इसके तेरह चौदह पंद्रह तेरह चौदह और पंद्रह वचन पढ़ लीजिएगा और अयूब की पुस्तक पहले अध्याय में पढ़िएगा जितने कैमल थे उससे डबल हो गए जितनी भेड़ें थी उससे डबल होगी जितनी खच्चरें थी उससे डबल होगी जितने ऑक्सन थे उससे डबल हो गए सब कुछ डबल दे दिया यहोवा ने धन दौलत यश गरिमा डबल दिया क्योंकि चोर पकड़ा गया आपको मालूम आप कहेंगे यहोवा ने सब कुछ तो डबल कर दिया दोगुना कर दिया लेकिन बेटे उसके साथ ही थे फिर और बेटियां तीन थी आपको मालूम उसके बेटे बेटियाँ भी डबल हो गए कैसे सात स्वर्ग में चले गए बेटे तीन बेटियाँ स्वर्ग में चली गई सात ज़मीन पे और तीन बेटियाँ ज़मीन पे डबल हो गए उसका बच्चों का हेरिटेज भी और आपको मालूम क्या लिखा है बाद में जो दूसरी बार दी ये होगा ने बेटियाँ और जो दूसरी बार ये होगा ने दिए बेटे उन बेटियों के विषय में लिखा है ज़मीन की सबसे खूबसूरत बेटियाँ थी वो उनके जैसी सुंदर लड़कियाँ नहीं थी जितनी खूबसूरत लड़कियाँ दी ये ने सेकेंड टाइम अब देखिए एक अद्भुत बात यहाँ पे हाल अद्भुत बात देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ग्यारह वचन में देन केम देयर अन टू हेम ऑल हिज ब्रदरन एंड ऑल हिज ऑल हिज सिस्टर्स एंड ऑल दैट हैड बीन हिज क्विंटेंसेज बिफोर हाली मैं एक वचन आपको देना चाहता हूँ इसका पहले पढ़ें हम आ, इसका पढ़ें आपूब फोर्टी टू में उसके सात वचन से पढ़ता हूँ मैं अयूब बयालीस के साथ से एंड इट वॉज सो दैट आफ्टर द लॉर्ड हैड स्पोकन दीज वर्ड्स टू जो लोड एलिफस तीमान माई रॉथ इज किंडल अगेंस्ट दी ये उसके दोस्त हैं यह होगा उनसे बातें कर रहा एूब के दोस्तों से जो अयूब में दोष निकाल रहे थे उनसे बातें क्या करता है कि मेरा क्रोध तेरे खिलाफ़ भड़, भड़का है अगेंस्ट अगेंस्ट दाई टू टू फ्रेंड्स तेरे दूसरे दो दोस्तों के खिलाफ भी फॉर ई हैव नॉट स्पोकन ऑफ मी थिंग दैट इज़ राइट एज माई सर्वेंट जॉब है कि तुमने मुझे राइटली रिप्रजेंट नहीं किया अयूब के सामने मेरे दास अयूब ने मेरे विषय में सही बातें बोली तुमने नहीं बोली तो प्रभु कहता है देअर टेक अन टू यू नाव सेवन बुलक्स सात बैल ले सेवन रैम सात वो मेढ़े ले लो एंड गो टू माय सर्वेंट जोब और मेरे दास अयूब के पास जाओ सात बैल सात मेढ़े लो और किसके पास जाओ मेरे दास अयूब के पास उसके तीन दोस्तों को यह हुआ कहते हैं तीन दोस्त सात बैल लेते हैं और सात मेढे लेते हैं किस लिए खून की भेंट चढ़ाने के लिए कौन सी चीज यह होवा परमेश्वर वापिस लौटाता है ब्लड खून ताकि खून की बाढ़ दोबारा खड़ी हो जाए अयुब के जीवन से लहू की बाढ़ टूट गई थी अग्नि की बाढ़ टूट गई थी जक्रिया दो पांच के मुआफिक और साम फोर्टी थर्टी फोर के सेवन के मुआफिक फरिश्तों की बाढ़ टूट गई थी तो यहोवा जानवर भेजता है ताकि जानवरों का लहू जगवेदी के ऊपर छिड़का जाए लहू अर्पण किया जाए और होम बलि चढ़ाई जाए और जो खून की दीवार टूट गई है वो खून की दीवार दोबारा खड़ी हो जाए खून की बाढ़ दोबारा खड़ी हो जाए और वो कुर्बानियां लेके जाते हैं और वैसे ही यहोवा का दास अयूब वो खून को यहोवा के आगे चढ़ाता है और लहू जैसे दोबारा आ जाता है लहू की बाढ़ वापस लौट आती है जैसे खून की बाढ़ अगर आपके जीवन में लहू की बाढ़ टूट गई है आपने पाप किया है अधर्म किया है गलत काम किए और वो बाढ़ टूट गई लहू की दीवार टूट गई आग की दीवार टूट गई फरिश्तों का खैमा टूट गया और भाइयों बहनों आपने क्या करना तौबा करें प्रभु के पास आएं तौबा करें उसी समय तौबा करें घुटने टेकें चिल्लाएं प्रभु के आगे ए आउट अन हिम हेम पश्चात आप करें उसे कहे मुझे क्षमा कर मेरे को अपने लहू से धो मेरे पाप क्षमा कर मेरे इर्द गिर्द अपने लहू की लकीर खींच खुदावन अयूब ने कुर्बानियां दी लहू दोबारा आ गया जगवेदी पे अब देखें क्या हुआ तब यहोवा ने उसकी कैप्टिविटी वापस कर बीस्ट से छुड़ा लिया वर्ष नंबर टेन बीस्ट पकड़ के ले जाता है लोगों को यह बीस्ट है सात सिर वाला सांप यहोवा ने बीस्ट के चुंगल से अपने दास को छुड़ा लिया फिर वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है जब वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है दुगनी बरकत आ जाती है कितनी डबल ग्यारह वचन में लिखा है देन केम एंड टू हेम ऑल हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड ऑल दैट हैड बीन हिज बिफोर एंड डिडीट ब्रेड विद हिम इन हिज हाउस एंड दे बिमोन्ड हिम एंड कम्फर्टेड हिम कंफ्यूटेड हिम ओवर ऑल ईवल द लोड ब्रॉट अपॉन हिम एवरी मैन गेव हिम अ पीस ऑफ मनी एंड एवरी वन एंड गोल्ड ऑफ इयरिंग सारे रिश्तेदार सारे साक्ष संबंधी सारे देश के जान पहचान के लोग सारे प्रतिष्ठित लोग सारे पतवंते लोग सारे सम्मान जनित लोग जिनके बीच में अयूब को यहोवा ने मान सम्मान दिया था वो अयूब के घर में आए उसे सांत्वना दी और सोना दिया अयूब को पैसे दिए अयूब को अयूब की बरकतें फ्लो करनी शुरू हो गई जैसे खून आया लहू कुर्बानी चढ़ाई गई लहू की दीवार खड़ी हुई स्वर्गीय बरकतें फिर खुल गई हाले लुया क्योंकि चोर पकड़ा गया क्योंकि सात सिर वाला वो लिवायतन पकड़ा गया हाले लुया और प्रभु यहोवा ने बरकतें खोल दी हाले लुइया हाले और आपको मालूम अयूब का जीवन बरक़तों से भर गया अयूब ने क्या किया माफ़ किया अयूब ने क्या किया क्षमा मांगी अयूब ने क्या किया? कियाूब ने भाई और बहनों लहू का बाड़ा फिर खड़ा किया अगर आपके जीवन में लहू का बाड़ा टूटा है आपको सुबह शाम दोनों समय लहू का बाड़ा खड़ा करना है एक मेमना सुबह चढ़ाया जाता था एक मेमला यहोवा की हैकल में शाम को चढ़ाया जाता था सुबह भी याजक अपने आप को धोते थे शाम को भी अपने आप को धोते थे अपने आप को शुद्ध करें घुटने टेकें दीन करें हलीम करें घमंड में मत घूमिए यहोवा की शरण में आ जाइए उसके चरणों में बिछ जाइए उसकी परस्तिश कीजिए लहू की, की दीवार वो कभी टूटने नहीं देगा जब तक लहू की दीवार है बरकतें बरसती रहेंगी बरकतें लहू के नीचे हैं चंगाई लहू के नीचे है, छुटकारा लहू के नीचे है लहू के नीचे लिवायतन सात सिर वाला सांप जो बंधुवाई में लेके जाता है वो कभी आपके पास नहीं आएगा क्षमा के रू में चलें हलीमी में क्षमा करें सबको मेरे को बहुतेरों ने चूना लगाया है बदनामी की है लूटा है मैं सबको क्षमा करता हूँ मैंने कुछ नहीं खोया मैं बहुत फलवंत हूँ मेरे जीवन में बरकतों का मेंह योवा यहोवा भरा बरसाता है प्रतिदिन मैं उसके लहू के साए के नीचे जीता हूँ प्रतिदिन हर पल लहू को बोलता हूँ लहू को एक्टिवेट करता हूँ तो खून को बोलिए खून को एक्टिवेट कीजिए यीशु मसीह के यीशु मसीह के लहू के साए के नीचे बने रहिए हालेलुया आज छः बजे शाम को एक बड़ी स्पेशल मीटिंग है आप जितने लोग हो इससे भी ज़्यादा लोगों ने शो अप करना है शाम को छः बजे मेरे एक मित्र हैं जो एक चर्च के पासवान हैं कनेडियन मेरे मित्र हैं हम लगभग 20 साल पहले बाइबल कॉलेज में पढ़ाते थे वो उन्होंने फिलीपीन में चर्चेस प्लांट किए हैं बहुत सारी चर्चेस बाइबल कॉलेज प्लांट किया है ऑर्फनेजेस प्लांट किए हैं उन्होंने कनेडियन मेरे फ्रेंड हैं शाम को छः बजे वो मेरे संग होंगे हम मिल वो कुछ टीच करेंगे मैं उसका आपको अनुवाद कर दूँगा कुछ मैं आपको बताऊँगा इस सीज़न के विषय में सिक्स पी एम शार्प आपने मिलना है छः बजे प्लीज़ प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे सबको जिमसी की भाई और बहनों ये शिक्षाएँ बहुत अनमोल हैं ये बहुत गहरी शिक्षाएं हैं ये मुझे यहोवा परमेश्वर ने अनुग्रह से दी हैं आप इन्हें लोगों तक पहुंचाइए बांटिए वॉच पार्टी कीजिए अपनी अपनी फेसबुक पे दूसरे लोगों को पहुंचाइए ताकि यहोवा का सच्चा कलाम फैले क्योंकि झूठा कलाम झूठे शिक्षक झूठे नबी उनकी बाढ़ आई हुई है इसलिए सच्चा कलाम फैलाइए ये।, ये अब आपका दायित्व है प्रभु यशु मसीह आपको बहुत आशीष दे छः बजे शाम को मैं आपको मिलूँगा प्लीज़ सभी जुड़ जाइएगा सिक्स ओ क्लॉक प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की